वेलकम टू अंजना धान की किचन। देखिए आज मैं आप सबको कुछ बताने वाली हूँ। ये है खारेक, मतलब जो पकी हुई खजूर नहीं होती है वो होती है खारेक। एकदम फ्रेश वाली यूएई खारेक के खजूर के लिए बहुत फेमस है। तो ये देखिए, खजूर धो के रखी है, इधर कुछ हाफ पकी हुई है, बहुत मीठी लगती है। और भी आगे बहुत भी बहुत सारी, ज्यादा देखो है। देखो देखो, वॉश वाह, करके रखा है कच्ची खजूर। कच्ची खजूरिया, पर बहुत मीठी लगती है। जिसको भी खाना है मेरे घर आए। और इसकी भी हम लोग कुछ रेसिपी बनाएंगे, पर अभी के लिए मैं क्या बनाने वाली हूँ वो बताती हूँ आपको। आज हम एकदम सिंपल तड़के वाली खिचड़ी बनाने वाले हैं। तो खिचड़ी मैंने ये 2 कप ले लिया है, इसको धो के वॉश कर लेती हूँ और फिर इसका तड़का करते हैं। देखिए, खिचड़ी धो के रेडी है। यहाँ पे हमने तड़के के लिए तेल डाल दिया है, ये वाला डेढ़ दो बड़े चम्मच चम्मच, अच्छा डेढ़ है डेढ़ आज। हाँ चम्मच है। आप चाहे तो घी में भी तड़का कर सकते हैं। तेल गरम होते ही इसमें आधी चम्मच राई डालेंगे। जब तक राई फूटे तब तक ये बता देती हूँ कि खिचड़ी के लिए जितना चावल है उतना ही हमें मूंग की दाल चाहिए। ये जो वाली जो दाल है ना वो, स्प्लिट मूंग। हाँ, जैसे मैंने अभी 2 बाउल लगाया ये वाला, तो 1 बाउल चावल है और 1 बाउल मूंग की दाल है। तो अच्छा, इस तरह से, और पहले भी मैंने 2 बार मसाला खिचड़ी और सिंपल खिचड़ी बना के रखी है, तो वो भी आपको हाँ लिंक, जी, वो हाँ, उसकी रेसिपी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल देंगे। राई भी थोड़ी सी फूटने लगी है। जीरा डालेंगे आधी चम्मच, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और ये जो खिचड़ी है धो के रखी है वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है ये ये भी अभी। मिक्स हो गया है। अभी इसमें मसाला करेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी है, जी आधी छोटी चम्मच चिल्ली पाउडर वाह, और नमक जाएगा स्वाद अनुसार। ओके तीन ही मसालों में पूरी खिचड़ी मस्त बनने वाली है। वाह, ये देखिए, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अभी जितनी खिचड़ी है, जैसे 1 बाउल है तो 3 बाउल पानी डालना है, तो मैंने यहाँ पे 2 बाउल लिया है, तो तो हम इसमें 6 बाउल। 6 बाउल पानी डालेंगे, क्योंकि ओके मैंने यहाँ रेडी करके रखा है वो इसमें डाल देंगे। वाह, मतलब अच्छे से पानी फेर देना है इसको, हमने जो किया है उस पे। देखिए, और ये बराबर से इधर उधर से मिक्स करके ढक्कन लगा देना है। 4 विसल करनी है और 4 विसल पे खिचड़ी रेडी हो जाएगी। चलिए कुकर खोल के देख लेते हैं खिचड़ी। ओ वाह, देख, ब्यूटीफुल। मस्त बन चुकी है ना, हाँ जी, एकदम परफेक्ट। एकदम परफेक्ट। वाह, अभी इसे हम सर्व करेंगे। ओके। देखिए, बहुत बढ़िया सी खिचड़ी रेडी हो चुकी है। इसके साथ मॉम ने 2 मिर्ची भी रखी है। आहा, क्या खाने का मजा आएगा। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, घी डालो या ऐसे भी खा लो, बहुत टेस्टी लगती है। हाँ जी, दही, अनियन कुछ भी ले सकते हैं आप, तो उसके एक साथ बार बहुत अच्छा जरूर से लगेगा। ट्राई कीजिए। यस, और हमें बताइए कि कैसी बनी है। और फिर लाइक थैंक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। यू।